आ जाओ, काफी लेट हो गया। ठीक है, एक राउंड और ले लो। हाँ जी, ठीक। अभी कहाँ पे पेन हो रहा? अच्छा, ठीक है। और पीछे साइड में? ओके ओके ओके। कितने दिन हो गए लगभग पेन? हाँ, नीचे भी हो रहा। ओके, कितने दिन हो गए पेन होते हुए? एक साल के आसपास हो रहा। ओके, और नाइट में पेन होता है? नाइट में भी, करवट बदलते समय, जरा स्लीपिंग टाइम में, वो पैर सीधा करते समय, फॉरवर्ड बेंडिंग में नहीं कर पा रहे, झुकना भी नहीं कर। तेलुगु बोल सकते हो अगर तुम तेलुगु बोलना चाहो? ठीक है। और एक्सरसाइज किया था? एक्सरसाइज चेस्ट ना बड़ा स्टेप्स भी कितने के लिए होगा, हाफ किलोमीटर जर्नी चेस उचित करवा तो बड़ा मतलब पेन होती है वो लंबा से। थोड़ा हिंदी भी बोल दो। वो लंबा वो ज़्यादा आधा घंटे के 5-10 मिनट के वॉक करने के बाद वो फिर पेन आ गया। पेन आ गया? हाँ, अभी जरा ले सकते हैं। हाँ हाँ, अच्छा, एक्सरसाइज कितने दिन किया था? हमारा वाला किया था, हमारा देखने के बाद, और 5 महीने के, 5 महीने किया, तो फर्क गिरा था उससे? अभी जरा दर्द कम करते हैं वो एक्सरसाइज करने के, फिर वॉकिंग करने के बाद आ सकते हैं, आ जाता है थोड़ा कम हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ ज़्यादा? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, अब देखते हैं 7 डेज में क्या चेंजेस आते हैं। आ जाओ, ठीक है, एक और राउंड, पहले से बेटर है। आ जाओ, सो हाउ आर यू फीलिंग नाउ, कैसा लग रहा है अभी? अभी जरा कम है सर, पेंस पूरा रिलैक्स है, अभी लिंपिंग जरा लाइट से है। अच्छा, जरा वॉक करते हैं वो, आप आधा किलोमीटर तो चलेते हैं। नाइट वाला पेन कैसा है अभी? नाइट वाला भी कम है, नाइट वाला कम है, अब मतलब पैर में करवट लेने में पेन नहीं होता? जरा जॉइंट में राइट साइड में है। ओके, तो कितना बेटर फील कर रहा है पहले से? अभी 40% बेटर, 40% बेटर सर। और हैप्पी? हैप्पी, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग आयुर्वेद शारदानगर कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग आयुर्वेदा, स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स, एवियन की सीरीज़ में आपने देखा ही होगा हम लोग के पास काफ़ी सारे पेशेंट आते रहते हैं, इसी सीरीज़ में कुछ केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें कि हस्बैंड वाइफ दोनों को एवियन हो गया है। और आपको पता ही है कि इस समय कोरोना की वजह से एवियन के काफ़ी सारे केसेस बढ़ रहे हैं, और अभी कुछ ऐसे केसेस भी हैं एक ही परिवार के 3-3, 4-4 लोगों को भी एवियन हो रहा है। तो इसी सीरीज़ में एक हमारे पेशेंट हैं जो कि हैदराबाद तिरुपति के रहने वाले थे, तिरुपति से आए हैं, अपने जोस्तनामने तिरुपति नुंचि श्रीकाळहस्ति मादि नेटिव प्लेस। ओके, लास्ट 1 ఇయర్ నుంచి ఏవియన్ తో బాధపడుతున్నాము, 3-5 మంత్స్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను సార్ది, లోకల్ ఆయుర్వేదిక్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాను, అలోపతి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే హిప్ రీప్లేస్మెంట్ చెప్పారు, ఫిర్ తర్వాత నేను ఆయుర్వేదిక్ ట్రై చేశాను మన ఊర్లో కూడా, అక్కడ సరిగా రెస్పాండ్ కాలేదు, అది మళ్ళీ పెయిన్స్ ఎక్కువైపోయాయి, ఇక్కడ యూట్యూబ్లో సార్ వీడియోస్ చూసి రికవరీ రేట్స్ అవి చూసుకున్నాను, పేషెంట్స్ అందరూ రివ్యూ బాగానే ఇస్తున్నారు, దూరమైనా కొద్దిగా ధైర్యం చేసి ఇంత దూరం వచ్చాము, కాన్పూర్ వచ్చి ట్రీట్మెంట్ మెసేజ్ చేస్తే సార్ రెస్పాండ్ అయ్యి కాన్పూర్ రమ్మని చెప్పారు, కాన్పూర్ వచ్చి 7 డేస్ థెరపీ తీసుకోవాలి, 7 డేస్ థెరపీ ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోయింది, అది ముందు వచ్చిందనికన్నా కూడా పెయిన్స్ చాలా వరకు రిలీవ్ అయింది,
అవి కొద్ది కొద్దిగా ఎక్కువ నొప్పి వస్తుంది రాత్రిపూట, అదన్నీ కూడా కొద్దిగా ఈ థెరపీ తర్వాత కొద్దిగా రిలాక్సేషన్ అయింది. ఒక 2 మంత్స్ తర్వాత రివ్యూకి రమ్మని చెప్పారు. 2 మంత్స్ మెడిసిన్స్ ఇచ్చున్నారు, ఎక్సర్సైజ్ చేపించున్నారు. అవి కంటిన్యూ చేసి 2 మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ సిట్టింగ్ వస్తే రికవరీ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ చాలామంది సెకండ్ థర్డ్ సిట్టింగ్స్ కూడా వచ్చున్నారు, చూసాము. వాళ్ళ పరిస్థితి బాగానే ఉంది, రికవరీ రేటు. ఒకసారి మీరు హిప్ రీప్లేస్మెంట్కి వెళ్ళే ముందు సార్ ట్రీట్మెంట్ ఒకసారి ట్రై చేసుకొని తర్వాత కావాలంటే మీరు మీ ఒపీనియన్ తీసుకోవచ్చు. గుడ్ బై. तो आपने देखा कि मतलब काफ़ी हद तक इन्होंने अपनी तेलुगु लैंग्वेज में ही आपको बताने की कोशिश करी. आई थिंक ये तेलुगु भाषी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा. और अच्छा, इस तरह के और भी जो एवियन के पेशेंट हैं जिनको एवियन हो रखा है, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो पेशेंस नहीं खोना है, है ना, धैर्य से रखना है, चलना है, और प्रिकॉशंस का प्रॉपर फॉलो करना है, वो थोड़ा बताइए. ప్రికాషన్స్ అంటే ఇప్పుడు కరెక్ట్గా మెడిసిన్స్ కరెక్ట్గా ఇస్తున్నారు, ఇంత దూరం రావడానికి పెద్ద ఇబ్బంది పడవలేదు. ఒక 15 డేస్ మీ ముందు ప్లాన్ చేసుకుంటే ఫ్లైట్లో వచ్చేవచ్చు, లేదు అంత నడవలేని పరిస్థితిలో ఉండేవాళ్ళు ట్రైన్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చుకొని కూడా రావచ్చు. స్టాఫ్ అంతా కరెక్ట్గా చూసుకుంటారు, విసిగించేది ఉండదు. ఓ డైలీ 2 టైమ్స్ థెరపీ ఉంటుంది, మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్. తాగడానికి కషాయాలు అవి వాళ్ళే పెట్టిస్తారు. ఇక్కడ రూమ్ ఫెసిలిటీ సార్ దగ్గరే రూమ్ ఫెసిలిటీస్ కూడా అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి. ఇక్కడ లేకపోయినా పక్కన అపార్ట్మెంట్లో తీయిస్తారు. 7 డేస్ మనం వెయిట్ చేసి ఫ్యామిలీస్తో ఉన్నా కూడా ఇబ్బంది పడబడలేదు, వచ్చి ధైర్యంగా చేసుకుని వెళ్ళొచ్చు. థ్యాంక్ యూ, బహుత్ బహుత్ ధన్యవాద్ ఆప్కా జీ. ఇన్కే సాథ్ మే జో హై ఇన్కి వైఫ్ భీ హై జో కి అప్ని తమిళ లాంగ్వేజ్ మే బతాయేంగే థోడా సా ఇస్కో ఇన్కో ఈజీ రహేగా తో థోడా సా ఆప్ లోగ్ ధ్యాన్ సే సునియేగా ఖాస్ తౌర్ సే తమిళ భాషీ లోగోన్ కే లియే ఫ్రీ హోకే బతాయే ఎక్దమ్. முன்னாடி சாருக்கிட்ட வர்றதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ப்ராப்ளமாக இருந்தது. ஆயுர்வேதிக்கு 5 மாதம் எடுத்துக்கிட்டோம், ஆயுர்வேதிக்கு 5 மாதம் எடுத்து கூட அது கம்ப்ளீட் ஆகலை. இங்கே சரி ஏதோ ஒரு தைரியத்தில் சரி சாரோட ரிவ்யூ பார்த்தோம், நல்லா இருந்தது, சரி அந்த ப்ராப்ளம் இருக்காதுன்னு எவ்வளோ தூரம்னால பரவாயில்ல கம்ப்ளீட் ஆகிடும்னு சொல்லி நாங்கள் இங்கே வந்தோம். இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் சாரோட பேஷண்ட்டு எல்லோரும் நாங்கள் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ஒரு தைரியம் வந்துச்சு, சரி இது நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் இங்கே 2 வாட்டி தெரப்பி பண்ணுறாங்க. ஒரு 3 டேஸ் கழித்து எங்களுக்கு பெயின் நல்லாவே ரெக்கவரி ஆச்சு. பேக் பெயின் அதிகமாக இருந்தது எனக்கு, இப்போ அந்த பேக் பெயின் கம்ப்ளீட்டாக கிடையாது. என்னால் அசல் குனிய முடியாது, ஏன்னா இப்போ நான் குனிஞ்சு என் காலை தொடுறேன். அந்த அளவுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் ரிலீஃப் வந்திருக்கு. நல்லாவே எல்லாம் நல்லா பண்ணுறாங்க, ப்ராப்ளம் எதுவும் கிடையாது. ரூம் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்குது, ஸ்டாஃபுங்கெல்லாம் நல்லாவே கோஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. நல்லா தெரப்பி நல்ல ரிலீஃப் ஆகுது. थैंक यू. तो आई थिंक तेलुगु और तमिल दोनों भाषी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ये इंटरव्यू है और उन लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आया होगा. तो ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने साथ के तेलुगु और तमिल भाषी लोगों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा, सो दैट कि उन लोगों को भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन मिल सके हमारी कैंप एंड हमारी लोकेशन से रिलेटेड. बहुत ही जल्द हम लोग हैदराबाद और उसके आसपास के लोगों के लिए भी कुछ सुविधाएँ उपलब्ध कराएंगे, और इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए सो दैट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए. तो ठीक है फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय. आ जाओ, काफी लेट हो गया. ठीक है, एक राउंड और ले लो. हाँ जी, ठीक. अभी कहाँ पे पेन हो रहा? अच्छा ठीक है, और पीछे साइड में है. ओके. कितने दिन हो गए लगभग पेन? हाँ नीचे भी हो रहा है. ओके, कितने दिन हो गए पेन होते हुए? एक साल के आसपास हो रहा है. ओके, और नाइट में पेन होता है?
करवट बदलते समय, स्लीपिंग टाइम में वो पैर सीधा करते समय, फॉरवर्ड बेंडिंग में नहीं कर पा रहे, झुकना भी नहीं कर, तेलुगु बोल सकते हो अगर तुम तेलुगु बोलना चाहो, ठीक है। और एक्सरसाइज किया था, एक्सरसाइज स्टेप्स दिखे किंदकि वेल्ले ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ జర్నీ చేసి వచ్చిన తర్వాత కూడా మళ్ళా పెయిన్ వచ్చేసింది। थोड़ा हिंदी भी बोल दो। अलाघंटे 5-10 मिनट के बाद वॉक करने के बाद वो हाँ। फिर पेन आ गया, पेन आ गया। हाँ, अभी जरा ले सकते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, एक्सरसाइज कितने दिन किया था हमारा वाला? किया था हमारा देखने के बाद, और 5 महीने के, 5 महीने किया, कुछ फर्क गिरा था उससे? अभी जरा आ जाता है, थोड़ा कम हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ? नहीं, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। अब देखते हैं 7 डेज में क्या चेंजेस आते हैं। आ जाओ, ठीक है, एक और राउंड, पहले से बेटर है, आ जाओ, सो हाउ आर यू फीलिंग नाउ, कैसा लग रहा है अभी? अभी जरा कम है सर, पेंस पूरा वाले रिलैक्स है, अभी लिंपिंग जरा लाइट से है। अच्छा, जरा वॉक करते हैं वो, आप आधा किलोमीटर तो चलेते हैं। नाइट वाला पेन कैसा है? नाइट वाला भी कम है, नाइट वाला कम है, मतलब पैर करवट लेने में पेन नहीं होता? नहीं है वो, और जरा जॉइंट में राइट साइड में है। ओके, तो कितना बेटर फील कर रहे हो पहले से? अभी 40% बेटर, 40% बेटर। हैप्पी? हैप्पी, थैंक यू।